up. Got me all stuck, chasing that rush. Had to get up and give up. I just want you. Hope so you are doing good. So, आज का ये दो ब्लॉग था, बिल्कुल सीक्रेटली था। अभी मेरी अम्मा जी कमरे में आई, मैं उनसे पूछ रही आप कमरे में क्यों आई हो। खैर मैंने ऐसे नहीं करना था, मैंने वो आज था मदर्स डे, मतलब आज है मदर्स डे, तो हम लोगों ने, मैंने और मेरी बहन ने मिल के मम्मा के लिए जो है ना एक छोटा सा सरप्राइज़ प्लान किया। तो वो अब मुझे अभी भी टिकटिकी लगी हुई है कि पता नहीं वो सही होगा या नहीं होगा। खैर मैंने वो उसका एक डेमो देख लिया, मुझे तो सही लगा, बाकी जब तक वो मेरे हार्ट शरीफ में नहीं आ जाएगा ना मुझे तसल्ली नहीं होगी। तो खैर आज के व्लॉग में हम आपको दिखाएंगे कि मैंने मामा के लिए क्या सरप्राइज़ प्लान किया था, ठीक है। और उसके बाद दूसरा जो उनका इंस्टाग्राम वगैरह है वो मैं आपको मेंशन कर दूंगी, आप जाना लाजमी उन लोगों को देखना। और फ्लेवर टेस्ट ईच एंड एवरीथिंग वो मैं आपको व्लॉग के एंडिंग में बताऊंगी। और उसके अलावा सबसे मेन चीज़ होता है मेरी माँ का रिएक्शन, मुझे मेरी माँ जी का रिएक्शन लेना है कि वो क्या सोचती हैं, मतलब लाइक उनके क्या एक्सप्रेशन होंगे देखने के बाद। सो अब बस मैं उनका उस ड्राइवर का वेट करूँगी कब वो आए और वो मुझे दे। तो बस तो भाई जी मैंने मम्मा से सिर्फ ऐसे ही कहा, मैंने कहा मम्मा बाहर जाने, तो मम्मा कहते चलो ठीक है चलते हैं। ओ वाओ मैं तो लश पश होने के तैयार हो गई, मैं कहा चलो यार थोड़ी सी स्किन को नीट किया जाए। खैर मैं फटाफट गई, हल्की सी मैंने अपनी स्किन केयर के साथ साथ जो है हेयर केयर भी लाजमी है, बेशक नज़र नहीं आता लेकिन मुझे बहुत तसल्ली होती है। और यार ये तो वही ऑयल है, मैं तो कहती हूँ लिटरली बहुत 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 ज़बरदस्त है, यही इन्हीं का मैंने ऑयल यूज़ किया, फिर इन्हीं का मैंने शैम्पू यूज़ किया और मेरे बाल इतने हसीन हो गए। खैर उसके बाद जब मैं अपनी स्किन केयर डन करके निकली तो अंकल का मुझे फ़ोन आ गया कि हम लोग, मैं आ गया हूँ आपका केक लेके। तो मेरी बहन ने पता नहीं किस एंगल में रख के वीडियो बना दी थी। खैर फिर मैं भाग भाग के गई अंकल से रिसीव करने के लिए, और फिर मैंने रिसीव करके फटाफट से ऊपर आई। मैं इतना पियाड़ा लग रहा है। सही है सो भाई जी अब हम हो गए हैं तैयार होकर। मैं जाती हूँ मम्मा के साथ एक तो पिज़्ज़ा खाने, फिर मैंने कहा मम्मा को ये पियाड़ा सा गिफ्ट भी देना था। खैर मैं इसको लेके पकड़ कर खड़ी थी कि मेरी बहन आए और कोई छोपर लेके आए, छोपर नहीं लाइक जैसे बॉन्ड विवान वगैरह के केक के डब्बे होते हैं ना वैसे उनके लिए, अब वो लेके आएगी सो फिर उसके अंदर लेके जाएंगे। ये दोनों औरतें मुझे पता नहीं कहाँ, ये कौन होंगे हम तो भाई फिर हुआ कुछ यूँ कि हम लोग मामा के साथ चले गए हैं, बट कढ़ाई टिक्का पर खाना खाने के लिए हम लोगों का मूड 99% जो है ना वो पिज़्ज़ा खाने का था, बट बच्चे का सर। खैर हम लोग का पिज़्ज़ा खाने का मूड था लेकिन पिज़्ज़ा हम लोगों को मिला नहीं, लाइक कोई इजाज़त नहीं थी कि आप नीचे बेकरी से जो है ना ऊपर होटल लेके आओ। तो फिर मम्मा कहती हैं अब मेरे बच्चे आए हैं मदर्स डे के लिए तो क्यों ना खाना खिला दिया जाए। खैर यहाँ पे मेरी बहन की गंदी बूथी देख लें आप। खैर हम लोगों ने फिर उसके बाद फटाफट से मेन्यू डिसाइड किया, जो कि हमारी माँ को कतई समझ नहीं आता होता कि उनको क्या बनाना चाहिए। और उसके बाद जो है हम लोग आराम से बैठे रहे आधे घंटे का, बोला उसने कि भाई आप आधा घंटा इंतज़ार करें। मैंने कहा अच्छा, असल में ना मैं माहौल को ना लाइक माहौल को फील नहीं, यार पता नहीं क्या कहते हैं मेरी बहन के यहाँ पर डांस देखना बड़े मज़े का लाइक सीरियसली अच्छा। खैर मतलब लाइक हम लोग बड़ी देर से इंतज़ार कर रहे थे। खैर उसके बाद जब अल्लाह अल्लाह करके इंतज़ार की घड़ियाँ ख़त्म हुई तो वेटर ने हमारे पर एक एहसान किया कि उसने सलाद और रायता हमारे सामने ला के रख दिया ताकि हम और तरसा सकें हमें और लेकिन नहीं। खैर उसके बाद कोई 10-15 मिनट के बाद जो है ना हम लोगों का जो ऑर्डर था वो हमें रिसीव हो गया, लाइक हम लोगों ने मंगवाई थी चिकन कढ़ाई और साग टिक्का, मतलब बारबेक्यू टिक्का शायद कुछ ऐसा ही कुछ था। खैर उसके बाद हम लोगों ने मज़े से सारा कुछ खाया और टड़ा सारा कुछ मुक गया, नहीं लाइक मतलब हम लोगों ने सही खाना खाया था, मज़ा आया बहुत मज़े का। तो खैर यार आफ्टर ऑल बाट तो बाटी ही है ना। फिर उसके बाद आ जाती है केक की बारी, मैंने केक के डब्बे को प्यार से खोला, मैंने उस अंकल को कहा भी था भाई ध्यान से रखना, फिर भी उसने डीप रेफ्रिजरेटर में उसको रख दिया। कैसा है, खुश हो? मैं अम्मी जान ऐसे मम्मा जान लिखवाना चाहिए था हमें, बस उसे खेली जा रही है अम्मी के लिए भी लेके जाएंगे। हाँ ठीक है डन करो, अम्मी को कहना है हैप्पी बर्थडे, हैप्पी मदर्स
ना फिर ना तीन पीस बड़े हैं लेकिन मेरी माँ को गंदी आदत है इसको अंजीर पिंजर करने की। कैसा टेस्ट है दीवा? मजे का। अच्छा स्ट्रॉबेरी चॉकलेट मिक्स मजे का। अम्मा आप चखो ना फिर बताओ मुझे। अच्छा मीठा नहीं है सबसे बड़ी बात। बहुत मज़े का सेटिस्फाइड हो? चलो गुड हो गया। और यार ये दोनों औरतें पता नहीं मुझे क्या समझ रही थी, डिलीवरी वूमेन बनाया हुआ थे इन्होंने मुझे चीज़ें पर हाथ में पकड़ा के तो खुद फिर जा रही थी। खैर हमने नानों के लिए अमृतसरी के दही भले लिए। फिर उसके बाद मैंने आज पहली दफ़ा लाहौर में रहते हुए एक चीज़ नोट की कि लक्ष्मी चौक जो है ना पूरा A to Z बट से भरा होता है। लाइक आप दूर से खड़े होकर देखो ना आपको सारा पूरा तोड़ तक जो है ना आपको बट ही बट नज़र आता है। बाबा जी बटों की पहचान ही अलग है। मैं खुद बट हूँ इसलिए। खैर हम लोगों ने थोड़ा सा इधर उधर फिरे, आवारागर्दी की मम्मा के साथ हम लोगों ने। और ये कोई पौने ग्यारह सवा ग्यारह का टाइम था और लाहौर तो खैर सोता ही नहीं ना। तो भाई उसके बाद हम लोग चले गए, मेरी माँ को याद आया कि अमृतसरी हम लोगों ने मौलवी के गोलगप्पे लाजमी खाने होते हैं। तो खैर हम लोग चले गए भाग भाग के मौलवी के गोलगप्पे ले रहे और इतना रश बाबा जी इतना रश कि ना लड़के और आदमी लाइनों में लगे हुए हैं। सो खैर आज का मेरा व्लॉग था मदर्स डे का सिर्फ इतना सा। आप लोगों ने ऑप्शन एंजॉय किया होगा और इसी तरह के व्लॉग्स के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और जाके मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करो और जिनसे मैंने केक मंगवाया उन्हें भी फॉलो करें। अल्लाह हाफिज़।